हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, तो आपको बताती है। एक मैंने हरी मिर्ची ले ली है, दो टमाटर लिए हैं, एक प्याज लिया है, एक शिमला मिर्ची लिया है, दो आलू ले लिए, एक गाजर ले ली, ये ले लिया मटर, ये ले लिया मैंने चावल। चावल को अच्छी तरह से धो दिए हैं, बासमती चावल लिए हैं। और अभी मैं बताती हूँ आपको आगे। अभी मैंने ले लिया कढ़ाई, और ये मैं गैस चालू कर देती हूँ। फिर मैंने लिया है ये घी, लिया है, कोई तेल में भी बना सकता है, मैं घीमा बना रही हूँ, घीमा अच्छे लगते हैं मुझे। घी ले लिया, ये मेरा गुलूश बेटी है, और ये मम्मा चावल बनाओ, क्या खाओगे बच्चों? चावल अच्छे लगते हैं। अभी ये घी मेरा गरम हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी जीरा एक चम्मच डालूंगी राई की, ये होगी राई। अब एकदम से चटक जाएगा ना, थोड़ा ब्लैक हो जाएगा, तब डालूंगी मैं और चीजें। जीरा ऐसा हो गया है, अब मैं डालूंगी हरी मिर्ची और प्याज। अब डालूंगी शिमला मिर्ची और आलू डाल दूंगी, गाजर डाल दूंगी साथ में। अब ये डाल रही हूँ मैं मटर ही नहीं, देखो ये मटर हैं, इनको फ्राई करना है, हल्के हल्के से पकने लग जाएंगे तो मसाला डालूंगी मैं। अब डालूंगी मैं एक चम्मच हल्दी पाउडर, डाल दिया एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया, गरम मसाला लास्ट में डालेंगे, टमाटर भी इनके लास्ट में डालने हैं। एक बार ये हल्के से फ्राई हो जाएगा ना मसाला, कच्चा टेस्ट नहीं आता, अच्छा टेस्ट आता है। देखो ये मसाला ने तेल छोड़ दिया है, ऐसे से मसाला, ये सारा घी देखो ऐसे हो गया है एकदम से। अब मैं ये डालूंगी टमाटर, और ये चावल डाल दूंगी, बासमती चावल लिया, बासमती चावल बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा आता है वैसे। आप इनको अच्छी तरह मिला लेते हैं, देखो हम दोनों को मिला के हल्के से ये फ्राई हो जाएंगे, तब मैं पानी डालूंगी इनमें। चावल ऐसे हो गए हैं, अभी ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं डालूंगी इनमें पानी। ये डाल दिया मैंने पानी, फिर लास्ट में डालूंगी गरम मसाला, एक बार नहीं डालूंगी, लास्ट में डालती हूँ हरा धनिया और गरम मसाला लास्ट में। ये एक चम्मच लिया मैंने गरम मसाले की, अभी 5-7 मिनट लगेंगे इनमें बनने में, फिर बन जाएंगे। देखो कैसा कलर लग रहा है, अच्छा लग रहा है।